मेरे घर की बहू तो वो नहीं बन सकती ना। देखो, अगर सारे मर्द अपनी जिंदगी में आने वाली औरत के लिए अपने करीबी रिश्तों को छोड़ने लगे, तेरे बिना मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं। आपने मुर्तजा का रिश्ता तैनियत से कर दिया? हमें इतला देने की जहमत भी नहीं की आपने। देखो वसीम, तुम मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर हो। तुम्हें दुख देने का कभी मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन जब नूरुल ऐन तहाइफ और मुर्तजा की दी हुई अंगूठी यहां वापस करके चली जाए तो इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब रिश्ता खत्म, मंगनी खत्म, निस्बत खत्म, तो फिर उसके बाद मैं मुर्तजा का रिश्ता कहीं भी करूं, तहनियत से करूं, किसी और से क्या फर्क पड़ता है? उसकी माँ हूं, मेरा पूरा हक है कि मैं जो फैसला करूं अपने मुर्तजा के लिए, मेरी मर्जी है। ये तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी औलाद मेरी किसी बात को कभी रद्द नहीं करती, मेरी औलाद मेरे कहने में है। और ऐसा ही मैं अपनी बहू के लिए भी चाहूंगी। लेकिन देखो, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, मगर दिलों को जोड़ने का हुनर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दिया है। लेकिन जो लड़की रिश्तों को जोड़ने से भागती हो, जिसे मर्द से जुड़े खूनी रिश्ते बोझ लगते हों, इजाफी लगते हों, कम से कम मेरे घर की बहू तो वो नहीं बन सकती ना। देखो, अगर सारे मर्द अपनी जिंदगी में आने वाली औरत के लिए अपने करीबी रिश्तों को छोड़ने लगे तो मुझ जैसी माँ और ताहरा जैसी बहनें कहाँ जाएंगी? तुम खुद ही बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। आपका मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। दिल तो आप लोगों का टूटे। इजाजत चाहूंगा। बेचारा क्या करे, इसके बस में तो कुछ भी नहीं, वो लड़की भी नहीं है।